वादी कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज तरीन हवाएं चलने लगी। व्हीलर झील में तेज हवाओं के दौरान पानी के दरमियान फंस जाने वाली 4 कश्तियों को रेस्क्यू टीमों ने किनारे तक पहुंचाया। वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर की झील डल में तेज हवाओं के पेश नजर सियाहों को कश्ती रानी की आज इजाजत नहीं दी गई। बारामूला पटन के खुशहालपुरा देहात में मुकामी लोगों ने महकमा फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कश्मीर के डायरेक्टर के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मेरा नाम महराजद्दीन लोन है, मैं एज ए सेक्रेटरी हूँ आउट ऑफ कमेटी चिनट खुशहालपुरा। हम रेजिडेंट चिनट खुशहालपुरा के हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बारामा में। हम गवर्नमेंट के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्टर साहब के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल ने हमें उसने हम लोगों को परेशान कर रखा है। आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे शो भी करना चाहूँगा ये डॉक्यूमेंट्स। हमारे गांव में एक प्राइवेट शॉप की लाइसेंस इशू की गई डायरेक्टर के द्वारा, फूड सप्लाई के डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर हमने एहजाज वहां पे किया बिकॉज दैट वेरी पर्सन वाज नॉट फिट फॉर द जॉब। हमने कहा इस असिस्टेंट डायरेक्टर को हमने बहुत ज्यादा वहां पे, उसने फिर टीम वहां पे भिजवा दी। टीएसओ की लगभग 10-12 बंदूक पे मुश्तमिल एक टीम गवर्नमेंट की तरफ से आई तो उन्होंने भी अपना रिपोर्ट लिखा कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमने जिस बंदे को लाइसेंस इशू की है वो फिट नहीं है जॉब के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑर्डर ये हमारे पास है, ये 2019 में उसने ऑर्डर जारी किया। इस ऑर्डर में असिस्टेंट डायरेक्टर मेंशन कर रहा है कि भाई इस बंदे ने डिपार्टमेंट को डिसीव किया है, फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इस बंदे को हम ये लाइसेंस रिजेक्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, डायरेक्टर अपने खुद के असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद टीएसओ साहब की टीम जो आई उन्होंने भी रिपोर्ट लिखा कि भाई इनकी ये जहाँ से राशन लेते हैं ये अपनी राशन वहीं से ले ले क्योंकि ये इस गांव के लिए ठीक नहीं है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। टीएसओ की टीम भी इन्होंने ही भेज दी, उसका भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, देन वी अप्रोच टू द कोर्ट, हाई कोर्ट श्रीनगर। हाई कोर्ट ने यहाँ पे 2018 में लगभग स्टे दे दी कि जब तक न हाई कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग हो जाएगी तब तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, इन लोगों की राशन जो है अपने डिपो से ही मिलनी चाहिए। ये अभी तक हाई कोर्ट में ऑर्डर है, स्टे है वहाँ पे, अभी कोई नया वहाँ पे कोई डायरेक्शन हाई कोर्ट से नहीं आई है। लेकिन डायरेक्टर साहब ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, न वो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, न वो हम डायरेक्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि सर एट लीस्ट आप कोई ना कोई ऑर्डर कंसीडर कीजिए, हमारी कोई लेटर कंसीडर कीजिए, या तो आपने असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑर्डर कंसीडर कीजिए, या हाई कोर्ट का ऑर्डर कंसीडर कीजिए, या वो जो टीम ऑफ लोगों ने बिठाई है टीएसओ की उनका ऑर्डर कंसीडर कीजिए और हमें राशन वहीं से मिलनी चाहिए जो गवर्नमेंट डिपो हमें राशन जो है दे रहा था।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ में आजमीन हज के लिए एक तरबीती कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। 40 खवातीन के बशमूल 168 आजमीन ने इस कैंप में शिरकत की, जिसको अलमा ने मुखातिब करते हुए अरकान हज से मुतलक मालूमात फरम की। वहाँ ज्यादा में ले जाते हैं गाड़ियों, वहाँ किचन नहीं है खाना बनाने के पैसे का, तो वहाँ ज्यादा में ले जाते हैं गाड़ियों, वहाँ किचन नहीं है खाना बनाने के पैसे का, तो फिर बैठ जाओ। के वक्फे के बाद हज बैतुल्ला की सआदत लोगों को नसीब हो रही है, और हज कमेटी ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट ने जो अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की थी, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हिस्से में 168 हुजाज आए हैं जो इस बार ये सआदत हासिल करेंगे। इसको पता नहीं होती क्योंकि ज़िंदगी में एक बार जाना होता है, ये ज़्यादातर लोग पहली बार जाते हैं, तो इसलिए हज कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हर साल ये कोशिश करती है कि इन हाजियों को हर वो बारीकी बताई जाए जो घर से निकलने से लेकर घर वापस होने तक डे बाई डे स्टेप बाई स्टेप एक एक कदम की जानकारी दी जा रही है। कोविड की वजह से हमारा जो वो ऑर्डर नहीं हो सका, हज के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी, तो इन साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम ने ये फजल किया तमाम मोमिनों पर कि इस साल हज के लिए जो है इजाज़त मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा आपको कि ये जो हज 2022 है वह पहले हज से मुनफरिद है। पुंछ से 168 आज़मीन हज जो यहाँ से सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम किया गया है। हज कमेटी की तरफ से मास्टर ट्रेनर जो है वो यहाँ भेजे गए हैं। आज जो हमारे 168 हैं इसमें 40 के आसपास हमारी ख्वातीन भी हैं, और ये लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का हमारा ट्रेनिंग का सेशन चलेगा, और आखिर में एक हमने क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा है ताकि अगर उनके कोई शुभात रह जाते हैं तो उनका भी इजाला किया जाए। उनको ये पूरी बताने की कोशिश की जाएगी कि आपके घर से रवाना होने से लेकर फरीजा हज की अदायगी तक जितने मराहिल रास्ते में आते हैं वो किस तरीके से पूरे करने हैं। गाड़ियों वहाँ किचन नहीं है खाना बनाने के पैसे का, तो फिर बैठ जाओ। हजरत अमीर हमजा हम तो उनके पैसे गुम हो जाएंगे। वादी कश्मीर के मारूफ माहिर माहौलियात व जंगलात काजी रियाज अहमद इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसा तक जम्मू व कश्मीर हुकूमत में महकमा जंगलियात व माहौलियात में काम करते रहे और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ओहदे से सबकदोश हुए। इस दौरान उन्होंने जंगलात व माहौलियात की बेहतरी के लिए बेहतरीन काम किया है। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक काजी रियाज अहमद गुज़श्ता एक साल से अलील थे, लेकिन अब पिछले 1-2 हफ्तों से इनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके बाद इन्हें मिल बाग श्रीनगर के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां वो आज सुबह 10 बजे इलाज के दौरान इंतकाल कर गए। जिला इंतजामिया कोलगाम की जानिब से एक माह पर मुश्तमिल क्लीन कोलगाम मुहिम का आगाज किया गया है। डीसी कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने इस मुहिम का इफ्ताह अंजाम दिया। देखिए, हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया है रूरल डेवलपमेंट म्यूनसिपलिटीज और पंचायत के साथ मिलकर हम लोगों ने क्लीन कोलगाम का कैंपेन शुरू किया है, और जैसे कि हम आज भी देख रहे हैं ये कैंपेन तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, हम कोलगाम को तब तक साफ नहीं रख पाएंगे जब तक लोग सेंसिटाइज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम हर टाइम आके स्कूल्स को इन्वॉल्व करके कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इसको ये साफ करना इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस बढ़ानी है कि वो एट अ फर्स्ट इंस्टेंस वो ऐसी जगहों पर गंद ना डालें, अपने जो डस्टबिन रखें म्यूनसिपल लिमिट्स में, हमारी 20 गाड़ी भी आती है पूरा कूड़ा करके हटाने के लिए। तो अब हमने इसमें प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे दैट लोगों को सेंसिटाइजेशन भी हो और एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाए,
लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस चीज में कि और सफाई करने में भी और एट द फर्स्ट इंस्टेंस गंद न डालने के लिए स्पेशली इन द मार्केट एरिया जहां हम देख रहे हैं वी आर नॉट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन जो कि दुकानदार है या बाकी फ्रूट सेलर्स है वेजिटेबल सेलर्स है, हम उन पर फिक्स कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको आसपास अपना जो जगह है वो साफ रखनी है, अदरवाइज फिर हम उनको उनकी दुकान बंद कर देंगे। आरे हिल पुलवामा में विजन ए पुलवामा 2047 के तहत एक प्रोग्राम का इनकार अमल में लाया गया। इस पर मिशन के तहत कई एक मंसूबा जात की तकमील की जाएगी। डीसी पुलवामा बशीरुल हक के बशमूल दीगर जिला अहदेदारान ने इस प्रोग्राम में आज शिरकत की। लेकिन हमारे मसले ये हैं, ना प्लेग्राउंड है, हमारा शमशान घाट है जहां हमें जो फिजिकल पॉलिसीज जो रुकी हुई है जिनमें पहला हॉस्पिटल आता है वो निकट से स्टार्ट हुई, आप यहाँ पहुँचे इंशाल्लाह एक महीने के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर करना और ऐसे ही इनिशिएटिव दिए जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि कोई अगर का मतलब कोई ऐसा खिलाफवर्जी करता है मैं जाता हूँ उसको हटाता हूँ, तो वो टाइम बीइंग के हमें इस तरीके का सिस्टम बनाना है ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की खिलाफवर्जियाँ कम से कम हों। जब यूथ वहाँ का इन्वॉल्व होगा, जब लोग वहाँ के इन्वॉल्व होंगे, तभी ये जो है माशरा और तभी ये हमारा समाज जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और इन कामों से हमें नजात मिलेगी। देखिए मैं पहले से भी यही बात बोल रहा हूँ कि मेरा ये यकीन नहीं है, मेरा ये 100% एक टेस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड फेथ है कि भाई आने वाला काम जो है वो यूथ ही कर सकता है, उसमें कोई भी दूसरा आदमी जो है इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि यूथ है वो अपने शहर के बारे में सोचेगा, वो अपने गांव के बारे में सोचेगा। हाँ ताखीर ज़रूर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यूथ ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा और इन्हीं के जरिए इन्हीं का विजन हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करना चालू रखते हैं। लेकिन हमारे मसले ये हैं, ना प्लेग्राउंड है, हमारा शमशान घाट है जहां हमें जो फिजिकल पॉलिसीज जो रुकी हुई है जिनमें पहला हॉस्पिटल आता है। डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह 10:30 बजे से आपके इंतजार में बहुत सारे लोग थे, ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमारे मसले ये हैं, ना प्लेग्राउंड है, हमारा शमशान घाट है जहां हमें यारीपुरा कोलगाम में सीआरएफ की 18 बटालियन की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। डीआईजी सीआरपीएफ डीपी उपाध्याय अनंतनाग रेंज कमांडेंट बीए के 84 के बेशमूल दिगर आला फौजी अहदेदारों ने इसमें शिरकत की। मरीजों की तशीश के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। आज सीआरपीएफ की 18 बटालियन जिसका हेडक्वार्टर्स कुलगाम में है आज यहाँ पे मेडिकल कैंप आदमी का नुकसान करते हैं और सबसे खतरनाक चीज है दुनिया की ड्रग्स जो है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है, वारफेयर से भी डेंजरस चीज़ है ये। और जो भी अपने मजहब में अपने धर्म में अपने रिलीजन में विश्वास करता है वो कभी छुएगा नहीं इन चीज़ों को। ये तो मैं कहता हूँ कि जो उलेमा है उनको भी ये बताना चाहिए, मसाजिद में से बोलना चाहिए उनको ये सब ना हो, क्योंकि उनका भी एक इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, जो मदरसा हैं जो मसाजिद हैं सिटी के हर हिस्से को बिल्कुल। हाँ और ऐसे लोगों को जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको सामने लाया जाए, एक्सपोज किया जाए, सजा मिले उन्हें। मेरा तो यही है नौजवानों को कि अपने आप को बर्बाद मत करो। कहते हैं कि ईश्वर की हर रचना सुंदर होती है, यानी अल्लाह ताला जो भी चीज़ दुनिया में बनाता है हर चीज़ खूबसूरत बनाता है, उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए चाहे वो जिस्म हो चाहे दिमाग हो। थैंक यू सर। बात हाँ बहुत रोजन यारीपुर यारीपुर लोग आज ये कैंप मेडिकल कैंप शहर की तरफ जो बड़ अहम कैम ग लागन प्रेथ कुन जाए तो मजीद से यह चीज़ वन कि ड्रग एडिक्ट ग्रग से आज इस्तेमाल कर सी अथ कैम ग चाहे कि अवेरनेस कम गलिक लागन नौजवान बच्चे गा शामिल अत मुख्त
شہری آج شامل گی باقی آئی لیڈیز ڈرگ کور استعمال شہری ہات مسلمان پہ یہ بڑی شہری ہز کات بیس مارکیٹ ڈپلیکیٹ چلنے بیمار گئے ام سن فرق چھ مطلب گورمنٹ اپیل کریں ات متعلق تیوتہ مہربانی کرتوا قدم اصت سہولت وات بنائی تو سہولت اس ڈپلیکیٹ دوا ڈپلیکیٹ دوا سوری اس فرقی گانا دپو نا میڈیکل والس ڈپلیکیٹ ان بچار پہ آئے تو کریں یم تہ کریں نا پہ تروہ گورمنٹس مجھے ات قدم تلن لڑکی مسلمان لڑکی کر ڈرگ استعمال یا لڑکس اجازت اسلام دیکھ کر یہ لانت فرمو تمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زن ڈرگ کر استعمال زن غلط کام کر ناظرین چلیے ڈالتے ہیں ایک نظر پھر سے سرخیوں پر نئی دلی میں وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں منعقد کیا گیا اجلاس ایل جی جموں کشمیر نے کی شرکت امرناتھ یاترا کے لیے انتظامی امور پر کیا تبادلہ خیال پیر پنجال میں بی جے پی لوگوں میں دوریاں پیدا کر رہی ہے ہم جوڑنے اور وہ توڑنے چلے آتے ہیں مشن تھانہ منڈی میں جلسہ سے عمر عبداللہ کا خطاب بڈگام میں پولیس اور فورسز نے کی کاروائی چند پورا سے دو مبینہ عسکریت پسند گرفتار پنڈتو کی ملازمتوں سے متعلق تمام معاملات ایک ہفتہ میں حل ہوں گے پی کے پولے نے دلایا یقین صوبائی کمشنر اور آئی جی کشمیر وجے کمار نے احتجاجی پنڈتو سے کی ملاقات کشمیر میں انسانی زندگی کے تقدس کی بحالی سب سے بڑا چیلنج سجاد غنی لون نے وادی کی صورتحال پر جتائی تشویش بارہ مولہ بنیار میں مکان میں لگی شدید آگ خاتون نے دریا میں لگائی چھلانگ پارٹ ٹائم ملازمین اور ہینڈی کیپ افراد کا احتجاج مانگیں پوری کرنے حکومت پر دیا زور آئندہ 24 گھنٹوں میں وادی کشمیر میں مطلع رہے گا ابر آلود تیز ہواؤں کے پیش نظر ڈل جھیل میں کشتی رانی سے سیاحوں کو روک دیا گیا فی الحال خبروں میں اتنا ہی ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے 4TV نیوز خبر کشمیر اللہ حافظ